एयरटेल कस्टमर केयर एजेंट से डायरेक्ट कैसे बात करें, एयरटेल कस्टमर केयर का नंबर क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फिर आप कुछ ही मिनटों के अंदर एयरटेल कस्टमर केयर एजेंट से डायरेक्ट बात कर पाओगे। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, एयरटेल कस्टमर केयर एजेंट से डायरेक्ट बात करने के लिए आपको अपने एयरटेल सिम से एक नंबर डायल करना है, 198। ये एयरटेल कस्टमर केयर का नंबर है और जो स्टेप्स मैं फॉलो करूंगा वही स्टेप्स आपको भी फॉलो करना है। यानी कि जिस समय जो नंबर मैं दबाऊंगा उसी समय वही नंबर आपको भी दबाना है और कुछ ही मिनटों के अंदर आप एयरटेल कस्टमर केयर एजेंट से डायरेक्ट बात कर पाओगे। तो चलिए मैं डायल करता हूं और स्पीकर को ऑन कर देता हूं। एयरटेल में आपका स्वागत है। एयरटेल 5G प्लस अब लाइव है। प्रीपेड संबंधित जानकारी के लिए दोस्तों ये जो कुछ भी बोल रही है इसे पूरा बोलने देना है, बीच में आपको कोई भी नंबर प्रेस नहीं करना है। जानकारी के लिए 3 दबाएं। एयरटेल डिजिटल टीवी सेवाओं के लिए 4 दबाएं। यहाँ पे दोस्तों आपको 1 दबाना है। 25 फरवरी 2024 को आपके एयरटेल मोबाइल की आउटगोइंग सेवाओं की वैधता समाप्त हो जाएगी। इंटरनेट काम ना करने, सिम खो जाने, कॉल करने या प्राप्त करने में असमर्थ होने या SMS भेजने में असमर्थता से संबंधित समस्या की रिपोर्ट कराने के लिए 1 दबाएं। अपना अकाउंट बैलेंस, वैधता, डेटा बैलेंस, थैंक्स रिवॉर्ड, आखिरी कटौती, PUK और अपना मोबाइल नंबर जानने के लिए 2 दबाएं। हेलो ट्यून डू नॉट डिस्टर्ब सेवाओं और रिचार्ज ऑफर जैसे अनलिमिटेड पैक और डेटा पैक के लिए 3 दबाएं। अपना नंबर रिचार्ज करने, आईडिया भाषा को बदलने या अपील दर्ज करने के लिए 4 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछली सूची के लिए 7 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। यहाँ पे भी दोस्तों आपको 1 दबाना है। यदि आप डेटा सेवाओं या इंटरनेट का उपयोग करने में असमर्थ हैं तो 1 दबाएं। यदि आप कॉल करने या प्राप्त करने में असमर्थ हैं तो 2 दबाएं। SMS से संबंधित समस्या 3 दबाएं। सिम खोने की सूचना देने, सिम बदलने या सिम बदलने का स्टेटस जानने के लिए 4 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछली सूची के लिए 7 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। हमारे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए 9 दबाएं। आपको 9 दबाना है। कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। नमस्कार जी, मुझे ये जानना था कि एयरटेल में कुछ टाइम पहले एक रिचार्ज आता था 78 रुपीज का, जो सिर्फ इनकमिंग कॉल चालू रखने के लिए रिचार्ज करते थे। अब वो रिचार्ज बंद हो गया क्या, 78 वाला? हाँ जी सर, प्लान चेंजेस हो चुके हैं। ओके ओके, वैलिडिटी के लिए ना ऐसे कोई प्लान नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्लान जो अनलिमिटेड प्लान होते हैं उनके साथ ही वैलिडिटी मिलेंगी। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से एयरटेल कस्टमर केयर एजेंट से डायरेक्ट बात कर सकते हो। पहले आपको 198 डायल करना है, फिर जो भी बोलती है सुन लेना है, फिर 1 डायल करना है, दूसरी बार में भी 1 डायल करना है और तीसरी बार में आपको 9 डायल करना है। डायरेक्ट आपकी बात एयरटेल कस्टमर केयर एजेंट से हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पे देख रहे हो तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेना।